मथुरा में दो सहेलियों ने ली साथ जीने मरने की कसम, आपस में शादी की जिद को लेकर पहुंची थाने। इन दोनों सहेलियों के परिजन इनके फैसले से हैं नाराज, लेकिन दोनों लड़कियां शादी न होने पर आत्महत्या की दे रही हैं धमकी। दरअसल ये पूरा मामला मथुरा जनपद के यमुना पार थाने का है, जहां यमुना पार थाने में एक ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली दो लड़कियां आपस में शादी करने की मांग को लेकर थाना यमुना पार जा पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस को उनकी शादी कराने और संरक्षण देने का प्रार्थना पत्र दिया। दोनों लड़कियों ने पुलिस को धमकी दी कि अगर उनकी शादी नहीं कराई तो वो दोनों आत्महत्या कर लेंगी। मथुरा के थाना यमुना पार में आपस में शादी करने की जिद को लेकर पहुंची दोनों युवतियां शादी की जिद को लेकर अड़ी हुई हैं। पुलिस ने दोनों लड़कियों के परिजनों को इस बात की सूचना दी। कुछ ही देर में दोनों के परिजन थाने पहुंच गए और अपनी अपनी लड़कियों को समझा बुझ का भरसक कर घर चलने को राजी करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दोनों शादी की जिद पर अड़ी रहीं। हार कर दोनों के परिजन उन्हें थाने में ही छोड़कर चले गए। यमुना पार थाने से दोनों को महिला थाने भेज दिया गया। 20 वर्षीय शिवानी लक्ष्मी नगर यमुना पार की रहने वाली है, वहीं दूसरी 18 वर्षीय युवती दीप्ति माट की रहने वाली है और यमुना पार लक्ष्मी नगर की रामदुरारी मार्केट में दीप्ति ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। महिला थाने पर दीप्ति ने बताया कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी शादी करा दी जाएगी। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमने आपस में प्यार किया है और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। शिवानी थाने पर खुद को लड़के की तरह प्रस्तुत कर रही थी और बातचीत में भी लड़कों जैसा लहजा था। दीप्ति और शिवानी की शादी की जिद को लेकर दोनों काफी देर तक यमुना पार थाने में बैठी रहीं। बाद में उन्हें महिला थाने भेज दिया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सिद्धार्थ नगर। क्या क्या मामला है? क्या मेरे पास ये पार्लर से दीप्ति और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, शादी हो या ना हो लेकिन साथ रहना चाहता हूँ। तो घर वाले क्या, आपके घर वाले अलग राजी नहीं है? अच्छा, आपके घर वाले राजी नहीं है? दोनों के घर वाले राजी नहीं है। अब आप इसमें क्या क्या न्याय चाहती हैं? ये न्याय चाह रहे हैं कि हम दोनों साथ रहें। अच्छा, आप दोनों साथ रहना चाहते हैं? शिवानी जी ये बताइए कि आप एक दूसरे से शादी करना क्यों चाहते हैं? घर वाले क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि तुम लड़की हो, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन्हें इतना तो समझ में होना चाहिए कि ये दोनों नहीं रह सकती हैं एक दूसरे से अलग, तो इन्हें मिलवा क्यों ना दें? भाई रहने ही तो है, तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे तो दूर तो जाएंगे नहीं। आप क्या एक ही जगह पहले जॉब करते थे? नहीं, जॉब तो मैं करती हूँ। कहाँ? मिनी ब्यूटी पार्लर। अब आपके आप क्या क्या चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ ये दीप्ति से मतलब मेरे संबंध हो जाए। आप शादी करना चाहती हैं? शादी करना चाहती हूँ, और शादी नहीं हो अगर अदरवाइज तो ये मेरे साथ रहे। अगर मान लीजिए आपके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते तो आप क्या क्या करना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं? घर वाले राजी नहीं हुए तो मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूँ कैसे भी। अब पुलिस ने आपको क्या क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं दिया, अभी तो बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, अभी तो कुछ नहीं बोला है। क्या नाम है आपका? दीप्ति। कहाँ की रहने वाली दीप्ति आप? माट। आप शादी करना चाहती हैं, किससे शादी करना चाहती हैं? शिवानी से। अच्छा, आपके परिवार वाले साथ नहीं रहने? घर से आपको निकाल दिया है क्या? नहीं, मैं खुद निकल गया। शादी करना चाहती है, क्या है पूरा मामला? ये महिला थाने पे हैं, इंस्पेक्टर महिला थाना ने बात किया है इस संबंध में, लीगल प्रोविजन क्या है उसको देखा गया है। प्रेमा फेसी लीगल प्रोविजन शादी का नहीं है, सेम सिक्स की है। डिटेल इसकी तहकीकात के बाद जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई की जाए। कह रही है कि अगर शादी नहीं हुई तो आत्महत्या कर देंगे? नहीं, ऐसा कोई कैसे कर देगा? जैसे कैमरे के सामने इस तरह की बात आई सामने? नहीं, आत्महत्या करना गंभीर अपराध है, अपने आप में गंभीर अपराध है। ठीक सामने एक 10 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सादे वर्दी में पुलिसकर्मी ट्रक वालों से पैसे की वही कर रहे हैं।
क्या मामला है? इसमें प्राइमा फेसी जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं।